सन मुझे रूम नंबर 6 चाहिए। है भाई क्या बोला तू? रूम नंबर 6। भाई यहाँ कहाँ आ गया रूम नंबर 6 में लेने के लिए? कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था विनय, और चिट्ठी की कहानी को पूरा जानने के लिए वीकेंड पे पहुंचा चून भट्टी, मकान नंबर 13, कमरा नंबर 06। भैया मुझे रूम नंबर 6 चाहिए। यस माय सन। थैंक यू। विनय ने कमरे का एक एक कोना छान मारा, उसे कहीं कुछ नहीं मिला, ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, ना ही कुछ और जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार अमित के साथ हुआ क्या था। सुबह के 4 बजे तक विनय जाग रहा था कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, पर सिवाय सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी ही बेवकूफी पर हंसने लगा विनय कि वो कागज के एक टुकड़े को पढ़कर यहां चून भट्टी तक आ गया। सुबह तो हो गई पर आज की रात बहुत कुछ लाने वाली थी अपने साथ। फिर से जब 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ। अरे यार अगला दिन हो गया और रात के 3 बज गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। गलती करी यार। हाँ यार अब सो ही जाता हूं, इससे बढ़िया तो मैं। आंख लगते ही विनय को एक आवाज सुनाई दी। विनय, मैं अमित। तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना? प्लीज विनय, प्लीज मुझे बचाओ। विनय मुझे निकल दो यहां से जल्दी। विनय जिस अमित को वो जानता भी नहीं था, विनय ने ना सिर्फ उसकी आवाज सुनी बल्कि उसका चेहरा भी देखा। इस सदमे से वो बाहर निकल ही नहीं पाया था कि अपने कमरे के बाहर उसने एक आवाज सुनी। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं खड़ा था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया कि लगभग तुरंत तो दफ्तर दीवार में से आवाज आ रही है। दीवार तोड़ के देखूं, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए। तोड़ के देखता walking out of time, look
looking for a better place. Something's on my mind, always in my space. But I know someday up on.